हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी लाइफ मजे में चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसमें जो नंबर लिखा हुआ रहता है 10 डिजिट का, उसमें हर कैरेक्टर क्या स्पेसिफाई करता है। और आपको पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आखिर आपको पैन कार्ड नंबर अलॉट कैसे किया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप जाने, ये जानकारी भरी वीडियो होने वाली है। और आप अगर इसे जानते हो तो आपको आगे किसी को बताने में भी सहूलियत होगी कि आपको पैन नंबर कैसे अलॉट हुआ है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, माय सेल्फ गोविंद स्वागत करता हूँ आप सबका टेक बुकलेट यूट्यूब चैनल पे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा ले ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वहां मैंने आपको बताया था कि आपको पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कैसे करना है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख जो है वो चेंज हो चुकी है। अब लास्ट जो डेडलाइन है वो है 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 तक आपको अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर लेना है, अन्यथा आपका पैन कार्ड जो है इन ऑपरेटिव हो जाएगा और आपको 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, पैन कार्ड का बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। अगर आप 50,000 रुपए से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हो, या तो आप किसी को 50,000 रुपए से ऊपर का पैसा भेज रहे हो, या फिर आप 50,000 रुपए से ऊपर की शॉपिंग कर रहे हो, तो आपको वहां पे पैन कार्ड नंबर देना होता है। और साथ ही साथ अगर आप किसी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर के फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, तो वहां भी आप पैन कार्ड का यूज कर सकते हो। बहुत जगह पैन कार्ड मांगा ही जाता है, कंपलसरी है, और बहुत जगह आप इसके अलावा आधार कार्ड से भी काम चला सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इसका 10 डिजिट जो है वो कैसे अलॉट होता है और क्या स्पेसिफाई करता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो ये 10 डिजिट का होता है, पहला 4 जो होता है वो कैरेक्टर होता है, मतलब अल्फाबेट होता है। ये अपर केस में होते हैं, ये लोअर केस लेटर में नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये जो होते हैं बड़े अक्षरों में होते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप निकाल के देखें, आपका जो 4 कैरेक्टर वो अपर केस लेटर होगा। दोस्तों, इसमें से भी पहला जो 3 अल्फाबेट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अलॉट होता है, जो कि AAA से लेकर ZZZ के बीच में कोई भी 3 अल्फाबेट हो सकता है। उसके बाद जो आपका चौथा कैरेक्टर होता है वो बताता है कि ये कार्ड जो है किस टाइप के पर्सन को अलॉट हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग इंडिविजुअल है, मतलब सिंगल पर्सन है, तो हम लोगों के पैन कार्ड में जो चौथा लेटर लिखा हुआ होगा वो लिखा हुआ P। उसी प्रकार किसी कंपनी का अगर पैन कार्ड है तो उस कंपनी के पैन कार्ड में C लिखा हुआ रहेगा, चौथा कैरेक्टर। उसके बाद पांचवा जो आपका कैरेक्टर होता है वो बताता है कि आपका सरनेम का स्टार्टिंग का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है। जैसे कि अगर आपका नाम राम कुमार है तो आपके पैन कार्ड में पांचवा जो आपका लेटर होगा उसमें K लिखा हुआ रहेगा। मतलब अगर आपका नाम राम कुमार सिंह है तो आपके पैन कार्ड में पांचवा जो लेटर रहेगा उसमें S लिखा हुआ रहेगा। कहने का मतलब आपका जो भी सरनेम होगा या लास्ट नेम होगा उसका जो पहला अल्फाबेट होता है वो पैन कार्ड के पांचवे कैरेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में आपको 4 नंबर मिलेंगे, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ भी आपको मिल सकता है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने अनुसार अलॉट करती है जो भी अवेलेबल होता है। उसके बाद दोस्तों, जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो भी एक अल्फाबेट होता है और ये बताता है कि आपका जो पैन कार्ड है उसका करेंट वैलिडिटी क्या है, उस करेंट कोड का क्या वैलिडिटी है ये बताता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि आपका जो पैन कार्ड है वो किस तरीके से अलॉट होता है। किसी को बता भी सकते हैं कि मेरे पैन कार्ड का ये सारा डिटेल क्या क्या बताता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाइए। थैंक यू।